आज इस वीडियो में हम गुरु नानक जी की कहानी सुनेंगे। ये कहानी हम कई भागों में सुनेंगे। इस पहले भाग में हम उनके बचपन की कुछ कहानियों और घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तालवंडी में हुआ था। ये स्थान अब पाकिस्तान में है। उनकी माँ का नाम तृप्ता और पिता का नाम मेहता कालू था। बालक के जन्म पर सभी लोग, पूरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि वहाँ के पुरोहित ने बालक की जन्म कुंडली देखी थी और कहा था कि ये बालक बड़ा होकर के बड़ा महान संत बनेगा और इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। बालक नानक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक नानक काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था और ये गुण उसे अपनी माँ से मिला। माँ उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती। बालक नानक को जो भी खाने को मिलता वो अपने मित्रों के साथ उन्हें बांटने के लिए निकल जाते। बालक नानक जो भी अच्छी बातें सीखते वो अपने मित्रों को भी बताते थे और मित्रों के साथ अक्सर भजन गाते थे। उनकी वाणी में बहुत ही अधिक रस था। थोड़ा बड़े होने पर पिता ने सोचा कि उन्हें अब शिक्षा के लिए भेजा जाए। गुरु नानक को सिखाने के लिए पाठशाला भेजा गया और उन्होंने बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। उनके पिता ने उनको फारसी का भी ज्ञान करवाया। जब नानक जी लगभग 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत कराना चाहा और उन्होंने पंडित से एक उचित मुहूर्त ले करके ये कार्य संपन्न कराने के लिए कहा। जब पंडित जी मंत्रोच्चारणों के बाद नानक जी को यज्ञोपवीत पहनाने लगे तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। धर्म की मर्यादा के अनुसार ये पवित्र सूत का डोरा प्रत्येक हिंदू को इस संस्कार में धारण कराया जाता है। तो नानक जी ने उनसे पूछा, क्या इसको पहनने के बाद मन, शरीर और आत्मा पवित्र हो जाएगी? यदि नहीं तो मुझे इसकी जगह ऐसा यज्ञोपवीत पहनाइए जो दया के कपास और संतोष के सूत से बना हो और जिसे कभी बदलने की जरूरत ना पड़े और जिसे सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाए। यदि आपके पास ऐसा यज्ञोपवीत हो तो ही मुझे पहनाइए। पंडित जी इसका कोई उत्तर ना दे पाए। इसके बाद नानक अपने साथियों के साथ इधर उधर घूमते रहते और अधिकांश समय साधु संतों के साथ भजन गाने में बिताने लगे। उनको इस तरह घूमते देख करके उनके पिता ने सोचा कि मैं उसको मवेशियों की देखभाल का काम सौंप दूंगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें खाली नहीं बैठना चाहिए, तुम मवेशी चराने जाया करो। तो और वो तैयार हो गए। परंतु एक दिन जब वो अपने ध्यान में लीन थे, मवेशी पड़ोसी के खेतों में घुस गए। पड़ोसी बहुत नाराज हो गए कि कालू मेहता के मवेशियों ने उनका खेत खराब कर दिया। उन पड़ोसियों ने इस गांव के प्रमुख से जाकर शिकायत करी और सभी जब वापस देखने आए कि खेत में क्या नुकसान हुआ है तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जैसे लग रहा था खेत को किसी ने छुआ तक नहीं है। और इसी प्रकार नानक जी प्रतिदिन अपने मवेशियों को जंगल में चराते हुए घूमते रहते थे। एक दिन पिता ने उनसे कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। ये लो कुछ रुपए, लो और जाओ कोई काम धंधा करो। और उन्होंने कहा कि इससे कोई अच्छा सौदा करके ही आना। तो उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं कोशिश करूंगा। और वो रुपए लेके बाजार चले गए। पर रास्ते में उन्हें कुछ भूखे और दुर्बल लोग दिखे जिनके शरीर पर ढंग का कपड़ा तक नहीं था। तो नानक जी ने बाजार से भोजन की सामग्री खरीदी, कपड़े खरीदे और उन्हें उन गरीबों में बांट दिए। और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा सौदा और क्या हो सकता है। लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके पिता बहुत ही नाराज हुए। तो नानक जी ने कहा, भूखों को भोजन कराने से बढ़कर कोई भी मुनाफे का सौदा नहीं होता है। पिता हार कर चुप हो गए। कुछ दिनों बाद नानक जी का विवाह माता सुलखनी से किया गया। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।